आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब जो ये हम वीडियो कर रहे हैं ये करनी थी हमें 15 अगस्त पे, बस 15 अगस्त से पहले थोड़ी सिचुएशन ऐसी हो गई, थोड़ी तबीयत वगैरह खराब हो गई, इधर उधर हो गई, तो ये वीडियो नहीं हो पाई, वरना पतंग का स्टैश बहुत पहले आ चुका था, पर अब वीडियो बन रही है। पतंग दो टाइम पे उड़ती है, 15 अगस्त पे उड़ती है और फिर रक्षाबंधन आ रहा है, वहां पे बहुत पतंग उड़ने वाली है। तो इतनी सारी पतंग का स्टैश हम क्या क्या लेके आए हैं, पतंग देखो यहाँ कौन कौन सी है हमारे पास। सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूँ ये क्या है, ये है कंडील। कंडील बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, ये वो पतंग नहीं आती, मतलब इसने नीचे दिया रहता है ऐसे, पूरी कैंडल लाइट पतंग उड़ती है, वो क्या बोलते हैं उसको, हमारे तो कंडील ही बोलते हैं, आपके यहाँ नहीं पता, हाँ इंग्लिश में बोलते हैं भाई स्काई लैंटर्न। ये देखो यहाँ पे लिखा है स्काई लैंटर्न, इंग्लिश में ये बोलते हैं इसको, तो देखो ये कितने सारे हमारे पास। अब इसके बारे में मुझे एक चीज़ बता देना, आप इस पर कैसी वीडियो चाह रहे हो, ये सारे के सारे एक साथ चला दें, मतलब बहुत सारे स्काई लैंटर्न एक साथ जब ऊपर जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा ना, तो मुझे कमेंट करके बताना इस चीज़ पर वीडियो चाहते हो या नहीं चाहते। इसको साइड रख देते हैं, सारे एक जैसे हैं, या फिर खोल के दिखाऊं, खोल के तो जिस दिन चलाएंगे उसी दिन देख लेना। अब पतंग कौन कौन सी है, ये कौन सी है, ये बार्बी बॉल, बार्बी डॉल, हाँ ये बार्बी वाली है, ये बार्बी होगी, और ये आ गया कौन सा, ये क्या नाम है इसका, डोनाल्ड डक, ये हो गए। तो इन्हें बोलते हैं, ये जब दुकान पे जाते हैं ना इन्हें पतंग को लेने, तो ये बोलते हैं आदमी वाली पतंग, कि लड़का दे दो, लड़के वाली पतंग, आदमी पतंग, तो इन्हें ये बोलते हैं, क्योंकि ये एक बच्चे की शेप में होती है ना पतंग, दो टांग होगी, इधर हाथ होगी, सिर हो गया, तो इसलिए आदमी वाली पतंग या बच्चे वाली पतंग, लड़के वाली पतंग बोलते हैं। और ये वाली पतंग मैं लेके आया था किसी छोटे बच्चे को, ऐसे कोई चलते रहते ना कि कोई छोटा बच्चा मिले मैं उसको दे दूँ। अब इसके अंदर देखो चश्मा भी है, बॉल भी है, थोड़ी सद्दी है, और विसल है, हुचका है छोटा सा, एक चरखी जो है, ये सारी चीज़ें मैंने कहा अगर छोटे बच्चे को देते हो, क्योंकि छोटे बच्चे पतंग उड़ा तो पाते नहीं है, मंजा देते तो हाथ कट जाएंगे, तो ये वाली पतंग रहेगी, हिलाते रहेंगे ऐसे, घुमाते रहेंगे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो ये किसी बच्चे के लिए मैं लेके आया था, मैंने किसी बच्चे को देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा देने के लिए, मैं खुद उड़ाने के लिए लाया। और क्या था ये लेके आए थे यार 15 अगस्त के लिए, ये बहुत सारी पतंग थी, ये सिर्फ बच्चों में बांटने के लिए पतंग लेके आया था, सारी ये सारी की सारी बच्चों में बांटने के लिए हम पतंग लेके आए ये रही। और ये चीज़ भी हम करेंगे, ये सारी की सारी पतंग है ना ये बच्चों को जाएंगे, अब आपको देख के लग रहा होगा क्योंकि हम तो ये उड़ाने नहीं वाले, बच्चों को मैं सारी की सारी पतंग दूंगा। बच्चों का प्यार देश के लिए सबसे ज़्यादा होता है, जब स्कूल में इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे होता है ना, तो एक अलग वाइब आती है, जब बड़े हो जाते स्कूल छूट जाता है तो वाली चीज़ निकल जाती है, वरना सुबह सुबह परेड होनी, स्कूल का बैंड का पार्ट होना, सारा नेशनल एंथम जब होता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी अगर कोई इंडिया में रह रहा ना और नेशनल एंथम हो, सामने तिरंगा हो, भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत खतरनाक चीज़। तो स्कूल में जब ये चीज़ होती है तो अलग ही वाइब आती है, तो स्कूल के टाइम बहुत खतरनाक, आपको भी पता होगा स्कूल में कितना मज़ा आता है। अब और देखो कौन कौन सी पतंग है हमारे पास, ये एक है ये लहरी पतंग, ये देखो ये लहरी पतंग है पन्ने की, और इसका प्राइस रहा होगा कम करीब, ये आई होगी 25 से 30 रुपये की ये पतंग है ये वाली, और ये वाली पतंग काफ़ी महंगी है, ये देखो ये लंबी वाली जो पूँछ वाली पतंग है ना, काफ़ी बड़ी पतंग है, ये देखो मेरी हाइट से कितनी आ रही है, ये यहाँ से इतनी बड़ी पतंग है, तो ये पतंग आती है 40 रुपये की ये वाली। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पतंग लेते रहते तो आपको पता चल जाएगा कितनी महंगी ले रहे हैं कितनी नहीं। और ये फिर से वही आदमी वाली पतंग यहाँ पे फंसी रहेगी, आ जा बाहर, ये रही ये वही आदमी सुपरमैन वाला। और ये वाली पतंग मुझे बड़ी सही लगी, मैं एक ही लेकर आया, ये है इनविजिबल पतंग, जादुई पतंग, ऐसी खत्म हो जाएगी आसमान में जाके, गायब हो जाएगी इनविजिबल। अब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पन्नी है तो ऊपर जाएगी सिर्फ डंडी डंडी रह जाएंगे, गायब हो जाएगी, किसी को दिखाई नहीं देगी, तो पेचे काटेगी सबकी पतंग काट देगी और पता नहीं चलेगा कौन सी पतंग आई काट के चलेगी, तो ये रही वो पतंग इनविजिबल पतंग। अब बताओ इसे उड़ाना, उड़ते हुए देखना चाहते हो तो मुझे बताना कमेंट में। और ये वाली पतंग है ऐसे हाईलाइटेड वाली पतंग जो ऊपर जाके एकदम चमक मारती है ना, ये देखो ये अलग ही चमक मारती है, जब धूप लगती है ना पतंग पे तो ये अलग ही दिखती है, एकदम शाइन मारती है, बहुत सही। अब
एक चीज और बताता हूँ, अगर आप पन्ने में जब कन्ने बांधते हो कैसे बांधते हो, कन्ने पन्ने की पतंग लिया आपने, अब आपको उसके कन्ने बांधने, कैसे बांधोगे? एक तरीका होता है कि माचिस लो, माचिस दी यार, तो ये माचिस लेनी है। वैसे ज्यादातर लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये माचिस ली, इसको अच्छे से जलाया, और ये देखो एकदम परफेक्ट छेद हो गया यहाँ पे आपके कन्ने बांधने के लिए, इधर भी हो गया और इधर भी एकदम परफेक्ट छेद। वरना पन्नी की पतंग में और क्या तरीका होता है छेद करने का, वैसे छेद करोगे तो आप पन्नी फटती चली जाएगी, वरना फिर इसको नीचे रख के तब रगड़ दो तब छेद हो जाता है। कागज की पतंग में तो तिल्ली वगैरह किसी भी चीज से कर लो, पन्नी के ये दो ही तरीके होते हैं, या तो इसको यूं पकड़ो रगड़ दो रगड़ के छेद हो जाएगा, या फिर ऐसे माचिस जला के करो परफेक्ट छेद होगा, पतंग फटेगी नहीं। ये बहुत बढ़िया काम आती चीज, वैसे पता होगा हर कोई उस्ताद है आप लोगों को पहले से ही पता होगा, ये नॉर्मल पतंग है, ये आ रही है 7 रुपए की, शायद 7 या 8 रुपए की पतंग आ रही है। और इधर ये भूत वाली पतंग, ये देखो, पहले तो इसलिए आया था कि अपनी पतंगों को नजर ना लगे, इसलिए ये वाली पतंग है। और कौन सी आती है फिर, ये एक ये आती है बड़ी बड़ी पतंग, ये आती है 15 रुपए की, ये 15 रुपए की पतंग है ये वाली जो है, देखो ये पूरा 4 का जो सेट होता है पतंग का चौक का, तो ये चौक का लेके आए थे हम। और ये नॉर्मल पतंगे हैं, ये भी नॉर्मल है, ये छोटी साइज की पतंग है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, वैसे एकदम ब्लैक पतंग। और ये बाकी सारी की सारी ऐसी नॉर्मल पतंग है, ये नॉर्मल पतंग है, जो ऐसे उड़ जाए कट जाए तो दुख नहीं, काट के आ जाए तो मज़ा आ जाए। और ये भी अपनी लहरी पतंग, ये रही लंबी पूंछ वाली, मैंने पहले भी दिखाई थी आपको ये रही। और इधर आती है ये बैटमैन वाली पतंग है, ये रही, ये भी 15 रुपए की उसने दी थी दुकान वाले, 15 रुपए की एक पतंग आती है। और लास्ट में आती है भाई ये पतंग, सबसे बड़ी पतंग जो है ना, ये लास्ट में आती है, ये 300 रुपए की एक पतंग है। ये हम 2 पतंग लेके आए हैं, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी पतंग है। अब मुझे बताना कि आप इतनी बड़ी पतंग को उड़ते हुए देखना चाहते हो या नहीं, कमेंट करके बता दो। और इतनी बड़ी पतंग को हम उड़ाने वाले हैं, और फिर जो होगा ये पतंग कितनी स्पीड से जाती है और कटती है, डोर पे कितना खिंचाव आता है, ये सारी चीजें पता चलेंगी। तो यही था स्टैश में, अब ये स्टैश के साथ क्या क्या कर रहा है ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट में, तो आपके कमेंट्स पढ़ के तब मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।